दोस्तों एक नए गूगल एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हमें कब करना चाहिए या फिर कब होता है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं रियल टेक हेल्प। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जब हम एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं, जब हमारा एडसेंस अकाउंट बन जाता है तो हमारे यूट्यूब चैनल से लिंक हो जाता है, उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल रिव्यू में चला जाता है और चैनल मोनेटाइज हो जाता है। जब हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद हमें अपने नए एडसेंस अकाउंट की काफी सारी सेटिंग्स करनी होती हैं। सभी सेटिंग्स को हम एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस सेटिंग का समय आता जाएगा उसी समय के हिसाब से हम उस सेटिंग्स को करते जाएंगे। दोस्तों इन्हीं सेटिंग्स में से एक सेटिंग है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। गूगल एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो एडसेंस अकाउंट का हम एड्रेस वेरिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे, और एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो हम पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर आपने एक नया एडसेंस अकाउंट बनाया है और आपको पता नहीं है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हमें कब करना है, तो चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एक नए एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हमें कब करना चाहिए या फिर कब होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब हम एक नया एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तो आप उस एडसेंस अकाउंट में चेक करेंगे, आपको कहीं भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों जिस दिन आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो उस दिन से लेकर आपको एक महीने का वेट करना है, 30 दिन का इंतजार करना है, उसके बाद आपके एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों जब एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है तो आपको ईमेल के द्वारा भी बता दिया जाता है, और एडसेंस अकाउंट को आप ओपन करेंगे तो होम पेज पर ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। तो दोस्तों उसके बाद आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जब आप जाएंगे, देखिए दोस्तों आपको मेन्यू पर टैप करना है, मेन्यू पर टैप करने के बाद पेमेंट पर टैप करना है, पेमेंट पर टैप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा वेरिफिकेशन चेक का, वेरिफिकेशन चेक पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे सामने आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, और दोस्तों जहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लिखा होता है उसी के नीचे आपको एक डेट मिल जाएगी। दोस्तों आपको यह डेट दी जाती है कि आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इस डेट तक कंप्लीट कर लेना है। अगर आप उस दी गई डेट तक अपने गूगल एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल के वीडियोस पर जो भी एड्स चल रहे हैं उनको यूट्यूब बंद कर देता है। तो दोस्तों आपको उस डेट से पहले पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि एक नया एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद हमें उस एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कब करना है। तो दोस्तों जब आप एक नया एडसेंस अकाउंट बनाते हैं और जिस दिन आपका चैनल मोनेटाइज होता है उस दिन से आपको एक महीने का वेट करना है, उसके बाद आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में बताई गई जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।